हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी सब्जेक्ट के आज अगले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं हम। और देखिए, प्लांट मॉर्फोलॉजी का जो अगला टॉपिक है, पुष्प फ्लावर के बारे में बात करेंगे। देखिए, बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो टॉपिक हम डाल रहे हैं क्लासेस, ये उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नीट परीक्षा दे रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, यूपी में बायोलॉजी से टीजीटी पीजीटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट एग्जाम में बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, और डीएसएसपी में बायोलॉजी सब्जेक्ट से, या किसी अन्य राज्य में बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो तैयारी कर रहे हैं, यानी बायोलॉजी विषय से जो तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंटों के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और अदर सब्जेक्ट के या अदर विषय की तैयारी करने वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो बिल्कुल भी ना देखें इसको। तो जो बायोलॉजी विषय से तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखें, और निश्चित रूप से आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हम अच्छे ढंग से पढ़ पा रहे हैं, और टॉपिक से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। तो जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको ये सूचना प्राप्त होती रहे कि समय समय पर जो भी टॉपिक हम अपलोड करते जाएंगे, क्लासेस चलते जाएंगे, वो आपको मिलती रहे। चलिए, तो आज हम जड़ तना पत्ती वाला टॉपिक पढ़ने के बाद अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम फ्लावर, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। तो पुष्प क्या होता है, पुष्प के बारे में सबसे पहले ये समझेंगे। तो पुष्प के बारे में बात करें तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, जहां प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में क्या हो जाता है, बदल जाता है। मैंने जड़ वाले चैप्टर में ये बताया था आपको कि प्ररोह क्या होता है और जड़ तंत्र क्या होता है। तो प्ररोह का जो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक है, वो पुष्पी ऊतक में बदल जाता है, और वही संरचना किसमें बदलती है, फिर पुष्प में। जब प्ररोह शीर्ष पुष्प में परिवर्तित होता है, तब वह सदैव अकेला ही होता है। क्या होता है, सदैव अकेला होता है। दो बार लग गया, इसको मिटा देते हैं। सदैव क्या होता है, अकेला होता है। पुष्प पादप की जननिक संरचना होती है, और पुष्प के आधार में पत्ती के समान संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सहपत्र कहते हैं। तो पुष्प के आधार में जो पत्ती के समान संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सहपत्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे पुष्प क्रम के बारे में। पुष्प क्रम क्या होता है, देखो, पुष्प क्रम को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस उसे कहते हैं जैसे पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। पुष्पी अक्ष पर फूलों का किस तरह से क्रम लगा होता है, उसे पुष्प क्रम कहते हैं। पुष्प क्रम को यदि बांटना चाहे तो हम तीन भागों में बांट सकते हैं, असीमाक्षी पुष्प क्रम, ससीमाक्षी पुष्प क्रम और विशिष्ट पुष्प क्रम। असीमाक्षी पुष्प क्रम को कहा जाता है रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, ससीमाक्षी पुष्प क्रम को कहा जाता है साइमोज इनफ्लोरेसेंस, और विशिष्ट पुष्प क्रम को कहा जाता है स्पेशल इनफ्लोरेसेंस। असीमाक्षी पुष्प क्रम उसे कहते हैं जिसमें प्रमुख अक्ष लगातार वृद्धि करती रहती है, और वह पुष्प यानी पुष्प बनने के बाद भी प्रमुख अक्ष जो है वो लगातार वृद्धि करती रहती है, और पुष्प बनते चले जाते हैं, और पुष्प अग्राभिसारी क्रम में बनते हैं, यानी कि जो आगे की ओर नवोद्भिद पुष्प होते हैं, और जो पुराने पुष्प होते हैं वो कहाँ होते हैं, पीछे की ओर होते हैं। और इसका उदाहरण है सरसों, मक्का, कैंडी टफ्ट, चांदनी और सूरजमुखी। तो असीमाक्षी पुष्प किसमें मिलते हैं, सरसों, मक्का, कैंडी टफ्ट, चांदनी और सूरजमुखी में। ससीमाक्षी पुष्प क्रम ऐसा पुष्प क्रम होता है कि जो शीर्ष अक्ष पर यदि फूल का निर्माण हो गया, तो अब वह अक्ष क्या है, विकसित होना बंद कर देगी, और अब जो पुष्प होंगे उसके निचली शाखाओं से ही क्या होंगे, निकलेंगे। तो प्रमुख अक्ष शीर्ष पर फूल लगता है, अतः सीमित वृद्धि होती है, और पुष्प तलाभिसारी क्रम में लगे होते हैं। और ऐसा कौन कौन से पौधे में होता है, आर्क कैलोट्रोपिस में और रेनन कुलस पादपों में, और आर्क कैलोट्रोपिस पादपों में ससीमाक्षी पुष्प पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। अब हम बात करते हैं विशिष्ट पुष्प क्रम। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी सब्जेक्ट की परीक्षा में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है, तो इसको आप याद रखें। विशिष्ट पुष्प क्रम तीन प्रकार का होता है, साइथियम, कूटचक्रक और हाइपेंथोडियम। साइथियम पुष्प क्रम में क्या होता है, सहपत्रों जो सहपत्र होते हैं उससे एक मांसल प्यालेनुमा संरचना बनती है, इन्वोल्यूकर संरचना बनती है। प्यालेनुमा संरचना को इन्वोल्यूकर कहा जाता है, और उसके मध्य में पाए जाते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं नर पुष्प और मादा पुष्प। साइथियम पुष्पक्रम यूफोर्बिया में मिलता है, किसमें मिलता है, यूफोर्बिया में। इनके एग्जाम्पल याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वर्टिसिलास्टर, तो
तुलसी कुल के जो पादप है लेविएटी और लेमिएसी कुल के पादपों में वर्टिसिलास्टर जो है कूट चक्रक पुष्परम पाया जाता है, यानी पुष्परम का आभास होता है। वास्तविक पुष्परम इतना व्यवस्थित नहीं होता, वो वास्तविक पुष्परम का आभास कराता है। हाइपेंथोडियम पुष्परम बरगद पीपल और अंजीर में पाया जाता है। इस पुष्परम में क्या होता है, पुष्पावली ग्रंथ पेडंकल जिसे हम बोलते हैं रूपांतरित होकर मांसल व कुंभकार हो जाता है, और इसमें अंदर क्या होता है एकलिंगी पुष्प पाया जाता है, जबकि साइथियम में क्या है द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है, नर पुष्प भी होता है और मादा पुष्प भी होता है। एक बार रिवाइज कर देते हैं, साइथियम पुष्परम यूफोर्बिया में, वर्टिसिलास्टर लेबियटिया लेमियेसी कुल में, तुलसी में पाया जाता है, और हाइपेंथोडियम पुष्परम बरगद फाइकस और अंजीर में और पीपल में ये पुष्परम पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न मिलता है, बिल्कुल नहीं भूलना है, हमें इसे याद रखना है। देखिए आगे हम बात करें, एक डायग्राम मैंने बनाया है। असीमाक्षी पुष्परम में पुष्प अक्ष जो है वो लगातार वृद्धि कर रही है रेसिनोस में, और पुष्प अग्राभिसारी क्रम में यानी कि नवोद्भिद पुष्प क्या होते हैं छोटे होते हैं, और पुराने वाले पुष्प क्या होते हैं बड़े होते हैं, तो पीछे की ओर जो है वो बड़े पुष्प और आगे की ओर छोटे छोटे पुष्प। और साइमोस में पुष्प अक्ष जो है वो पुष्प बनने के कारण क्या होती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। अब नीचे की ओर पुष्पों का क्या होता है, निर्माण होता है, तो तलाभिसारी क्रम में ऊपर की ओर बड़े पुष्प और नीचे की ओर नए पुष्पों का निर्माण होता है। अब यदि हम बात करें पुष्प की संरचना के बारे में, तो पुष्प के प्रमुख चार भाग होते हैं। पहला होता है जायांग, दूसरा होता है आपका पुमंग, और तीसरा होता है आपका दल, और चौथा होता है आपका बाह्यदल। तो जायांग और पुमंग जो हैं वो पुष्प के जननिक भाग हैं। कैसे भाग हैं, जननिक भाग हैं, जनन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जबकि दल और बाह्यदल जो है वो सहायक अंग होते हैं। जायांग की तीन संरचनाएं होती हैं। देखिए ऊपर जो है ये वर्तिकाग्र, ये वाली नलिकानुमा संरचना वर्तिका, और अंदर क्या पाया जाता है ये अंडाशय, और अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड। क्या मिलते हैं यहाँ पर, बीजांड पाए जाते हैं। जायांग को गाइनोसियम कहते हैं। जायांग के तीन पार्ट हैं, वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय, और अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। पुमंग एंड्रोसियम नर जननांग होता है, जायांग मादा जननांग होता है। एंड्रोसियम में पाया जाता है पुंकेसर और पुतंतु पाया जाता है, और दल रंगीन संरचना होती है जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करती है, और बाह्यदल हरे रंग की संरचना होती है जो सुरक्षा का कार्य करती है। और पुष्पासन पर पुष्प के अन्य भाग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जहां से पुष्पासन जो है वो पुष्पासन पर पुष्प के भागों को सम्मिलित किया जाता है, और पुष्प एक व्यवस्थित ढंग से दिखाई देता है पुष्पासन पर। तो जो सभी संरचनाएं जहां पर आकर टिकती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन कहते हैं। तो यह एक पुष्प की संरचना है, जिसे हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि पुष्प कैसा होता है। अब हम बात करें, देखिए कुछ पुष्प जैसे प्याज में कैलेक्स व कोरोला, बाह्यदल और दल में कोई अंतर नहीं होता, और इन्हें सम्मिलित रूप से परिदल पुंज कहा जाता है, पेरियंत कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेरियंत किसमें मिलता है, तो पेरियंत मिलता है प्याज कुल के पादपों में, या प्याज में पेरियंत पाया जाता है। सममिति के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, तो सममिति के आधार पर सामान्यतः पुष्प तीन प्रकार के होते हैं। सममिति के आधार पर कितने होते हैं, तीन प्रकार के। पहला प्रकार है त्रिज्या सममित, दूसरा है एक व्यास सममित, और तीसरा है असममित। त्रिज्या सममित पुष्प को एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है, अर्थात पुष्प को किसी भी अक्ष से काटने पर उसके लगभग बराबर भाग हो जाएंगे। उदाहरण है सरसों, धतूरा, मिर्च और गुड़हल। कौन कौन सा, सरसों, धतूरा, मिर्च और गुड़हल में त्रिज्या सममित पुष्प पाया जाता है, और ऐसे पुष्पों को नियमित पुष्प कहा जाता है। अब बात करें एक व्यास सममित, जायगोमॉर्फिक कहते हैं, और जायगोमॉर्फिक पुष्प का मतलब होता है कि एक विशेष अक्ष से ही काटने पर पुष्प के दो भाग होंगे, और इससे ऐसे पुष्प को द्विपार्श्विक पुष्प कहा जाता है। और किन में मिलते हैं, मटर 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 गुलमोहर सेम केसिया तुलसी में। एक व्यास समेत पुष्प पाया जाता है मटर गुलमोहर सेम केसिया तुलसी में। मैं फिर कह रहा हूँ प्लांट मार्फोलॉजी के अंतर्गत, पादप आकारिकी के अंतर्गत एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लासेस को लगातार यदि आप बार बार देखोगे या इसको रिपीट करोगे, स्वयं रिपीट करोगे, तो ये याद हो जाएगा। तो एक व्यास सममित जो पुष्प का उदाहरण है मटर गुलमोहर सेम केसिया, और असममित पुष्प अनसिमेट्रिक फ्लावर उस ऐसे पुष्प को कहते हैं कि किसी भी अक्ष से काटने पर उसके लगभग समान भाग ना हो, तो उसे असममित पुष्प कहते हैं। और ऐसा किसमें मिलता है, कैना में मिलता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखें। अब हम बात करें सहपत्र के आधार पर पुष्प दो प्रकार का होता है, सहपत्री और असहपत्री। सहपत्री पुष्प को ब्रैक्टिएट और असहपत्री पुष्प को ई ब्रैक्टिएट कहा जाता है।
अब पुष्प वृत्त के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां जैसी संरचना पाई जाती है, तो सहपत्री पुष्प ऐसा मिलता है एडा टोडा में, जिसमें मिलता है एडा टोडा में। और ऐसे पुष्प जिसमें पुष्प वृत्त के आधार पर पत्ती जैसी संरचनाएं नहीं मिलती, तो असहपत्री या सहपत्रीहीन पुष्प ई ब्रैक्टीएट पुष्प कहा जाता है, और ई ब्रैक्टीएट पुष्प मिलता है सरसों में। ये एग्जाम्पल परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। ऐसा पुष्प जिसमें चार भाग उपस्थित होते हैं उसे पूर्ण पुष्प कंप्लीट कहा जाता है। चार भाग का अर्थ होता है पुमंग, जायांग, वाहिदल और दल। यदि कोई भी भाग, कोई एक भाग, दो भाग अनुपस्थित है उसे अपूर्ण पुष्प कहेंगे, इनकम्प्लीट पुष्प उसको कहेंगे। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब हम बात करें पुष्प अंगों की पुष्पासन स्थिति के आधार पर पुष्प कितने प्रकार का होता है, तो पुष्प अंगों की पुष्पासन स्थिति के आधार पर पुष्प तीन प्रकार का होता है। ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको भी आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस को अधोजायांगी या जायांगो पर पुष्प कहा जाता है, पेरीगाइनस को परिजायांगी, और अधिजायांगी एपिगाइनस को अधिजायांगी पुष्प कहा जाता है। देखिए हाइपोगाइनस किसे कहते हैं कि जब अंडाशय के नीचे से पुष्प की अन्य भाग निकलते हैं, जैसे पुंकेसर है आपका, वाहिदल है, दल है, अंडाशय के नीचे से, तो उस पुष्प को कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। और ऐसी स्थिति में जो अंडाशय होता है वो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय सुपीरियर ओवरी पाया जाता है। ऐसा किसमें होता है, सरसों, गुड़हल और बैंगन में ऐसी स्थिति पाई जाती है। तो सुपीरियर अंडाशय सरसों, गुड़हल और बैंगन में पाया जाता है। परिजायांगी पुष्प उसे कहते हैं कि ना तो अंडाशय के बिल्कुल मध्य भाग से, अंडाशय के मध्य भाग से, ना तो ऊपर ना ही नीचे, यानी पुष्पासन आधा उसको अंडाशय को ढक लेता है, और पुष्प के अन्य भाग निकलते हैं जायांग, जायांग के नीचे से, मतलब मध्य से, अंडाशय के मध्य से पुष्प के अन्य भाग निकलते हैं पुमंग, वाहिदल और दल। तो ऐसी स्थिति में अंडाशय जो है वो ना तो ऊपर होता है ना ही नीचे होता है, तो उस स्थिति को आधा अधोवर्ती या आधा ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय उसको कहते हैं। ऐसा किसमें मिलता है, पल्म, गुलाब, आडू और मटर में। तो आधा सुपीरियर होगा या आधा इन्फीरियर होगा पल्म, गुलाब, आडू और मटर में। और जब पुष्पासन अंडाशय को पूरा घेर लेता है और अंडाशय के ऊपर से पुष्प के अन्य भाग निकलते हैं पंकेसर, वाहिदल और दलपुंज निकलते हैं, तो इस स्थिति को अधोवर्ती अंडाशय कहा जाता है, इन्फीरियर ओवरी कहा जाता है। और यह पुष्प जो है वो एपिगाइनस पुष्प होता है। और ऐसा मिलता है सूरजमुखी का रे फ्लोरेट जो पुष्प क्रम वो पुष्पक होता है, रे पुष्पक, और अमरूद और घिया में, घिया को हम क्या बोलते हैं, कुकुम्बर जो कुल है उसमें पाया जाता है एपिगाइनस अंडाशय या एपिगाइनस पुष्प पाया जाता है। और इसमें कैसा होता है, इन्फीरियर अंडाशय होता है। कैसा होता है, इन्फीरियर। तो इसको आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है पेपर में, बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, आप इसको एक दो बार रिवाइज जरूर कर लें। अभी एक दो बार रिवाइज करेंगे तो तुरंत के तुरंत क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब हम पुष्प के भाग के बारे में बात करें, वाहिदल पुंज, वाहिदल पुंज को कैलेक्स कहते हैं, ये हरा होता है, सुरक्षा का काम करता है। जब वाहिदल आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो इस स्थिति को गैमोसेपेलस कहा जाता है, और जब वाहिदल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तो ऐसी स्थिति को पॉलीसेपेलस कहा जाता है। और दूसरा जो भाग होता है वह होता है दलपुंज, यह चमकीली रंगदार संरचना है, परागण हेतु कीटों को आकर्षित करता है। यदि दलपुंज आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो इस स्थिति को गैमोपेटेलस, और यदि एक दूसरे से पृथक होते हैं तो इस स्थिति को पृथक दलीय संरचना या पॉलीपेटेलस कहा जाता है। दल पौधों में अलग अलग आकार का पाया जा सकता है, नलिका जैसा, घंटी जैसा, कीप जैसा और चक्राकार। नलिका जैसा जो दल है वो सूरजमुखी के बिंब पुष्पक में पाया जाता है, घंटी जैसा कसकटा अमरबेल में पाया जाता है, कीप जैसा आइपोमिया में पाया जाता है, और चक्राकार नीरियम, कनेर और बैंगन में पाया जाता है। तो चक्राकार किसमें मिलता है, नीरियम व बैंगन में चक्राकार जो दल है वो पाया जाता है, इसको आप याद रखें। अब हम दल विन्यास के बारे में बात करेंगे कि पुष्प पर दल का जो विन्यास है, व्यवस्थित क्रम है, उसको दल विन्यास एस्टिबेशन कहा जाता है। यह चार प्रकार का होता है, कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी और वैक्सिलरी। कोर स्पर्शी को वॉल्वेट, व्यावर्ती को ट्विस्टेड और कोर छादी को इम्ब्रिकेट, और वैक्सिलरी को पेपिलियोनेसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेपिलियोनेसियस कहा जाता है, ये नाम पूछा जाता है इसलिए आप याद रखें। देखिए कोर स्पर्शी में जब दल के जो सिरे हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसमें मैंने डायग्राम में बताया है, तो ऐसे दल विन्यास को कोर स्पर्शी कहा जाता है। इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस और सोलेनम। व्यावर्तित दल विन्यास उसे कहते हैं कि एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर होता है,
और किसके में पाया जाता है? गुड़हल, भिंडी और कपास में व्यावर्तित दल विन्यास पाया जाता है। कोरछादी दल विन्यास उसे कहते हैं कि एक दल जो है वो पूरी तरह से अंदर होता है और एक दल पूरी तरह से बाहर होता है, बाकी जो दल के जो सिरे हैं वो एक अंदर होता है एक बाहर होता है, तो इसे कोरछादी दल विन्यास कहा जाता है। केसिया और गुलमोहर इसके एग्जाम्पल है। और वैक्सिलरी या पेपिलियोनेसियस जो दल विन्यास होता है उसमें दो पूरी तरह से अंदर होते हैं और दो पूरी तरह से बाहर होते हैं, और बाकी जो बचे हुए होते हैं उसे क्या बोल, एक अंदर होता है और एक बाहर होता है। तो इस तरह से जो दल विन्यास, यानी एक पूरी तरह से बाहर और दो पूरी तरह से अंदर, तो ध्वज जैसी संरचना बनती है, तो इस स्थिति को कहा जाता है वैक्सिलरी दल विन्यास कहा जाता है। और ये मिलता है मटर और सेम में। किसमें मिलता है? मटर और सेम में ये दल विन्यास पाया जाता है। अब हम बात करें अगले तीसरे भाग में, पुष्प का तीसरा भाग पुमंग, जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम नरजन्नांग होता है, इसकी इकाई क्या होती है? स्टामेन होती है। स्टामेन दो संरचनाओं से मिलकर बनता है, एंथर पराकोष से और फिलामेंट पुतंतु से बनता है। बंद पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए बंद पुंकेसर को स्टेमिनॉइड्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है उनको? बंद पुंकेसर को स्टेमिनॉइड कहा जाता है, और ऐसा मिलता है स्टीलेरिया में। यदि पुंकेसर दल के साथ लगा हुआ है तो इस स्थिति को एपिपेटेलस कहा जाता है, और किसमें पाया जाता है? बैंगन में। और यदि परिदल के साथ लगा हुआ है तो एपिफिलस कहा जाता है, और यह स्थिति मिलती है लिली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ये दोनों याद रखें। एपिपेटेलस स्थिति बैंगन में मिलती है, और एपिफिलस स्थिति परिदल जो लग्न, यानी पुंकेसर परिदल से लगे हुए हैं तो किसमें? लिली में। पुंकेसरों के संयोजन के आधार पर पुंकेसर मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं, एक संगी, द्विसंगी और बहुसंगी। एक संगी पुंकेसर मतलब कि सभी पुतंतु मिलकर एक ही नलिकानुमा संरचना बना लेते हैं, तो एक संगी पुंकेसर गुड़हल में, द्विसंगी दो नलिकानुमा संरचना है मटर में, और बहुसंगी सिट्रस में, नींबू कुल में बहुसंगी पुंकेसर पाए जाते हैं। सालिया तथा सरसों में पुतंतु की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन से पादपों में पुंकेसरों की लंबाई अलग अलग होती है। साल्विया और सरसों में पुंकेसरों की लंबाई अलग अलग होती है। अब हम बात करें पुष्प का अगला जो भाग है, मादा जननांग, जिसे जायांग कहते हैं, इसकी इकाई होती है कार्पल। मादा जननांग जो अंडपों से बनी होती है, अंडपों की संख्या के आधार पर एकांडपी, यदि एक अंडप हो लेगमिनेसी कुल के पादप और ग्रैमिनी कुल के पादपों में, द्विअंडपी दो अंडपों सरसों और सौंफ में दो अंडप पाए जाते हैं, त्रिअंडपी तीन अंडपों लिली और यूफोर्बिया में तीन अंडप पाए जाते हैं, चार अंडपी टेट्रा कार्पिलरी बारबेरिस में चार अंडप पाए जाते हैं, पंच अंडपी पेंटा कार्पिलरी गुड़हल में पांच अंडप पाए जाते हैं, बहुअंडपी बहुत सारे अंडपों अफीम और हॉलीहॉक में बहुत सारे अंडप पाए जाते हैं। यदि ये अंडप एक दूसरे से अलग अलग हैं तो एपोकार्पस, यदि जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस। तो एपोकार्पस को वियुक्तांडपी कहा जाता है, गुलाब कमल और रेनुनकुलस में ये स्थिति मिलती है, और यदि अंडप आपस में जुड़े हुए हैं सिनकार्पस, उन्हें युक्तांडपी कहते हैं मटर टमाटर और गुड़हल में। तो यहाँ से एपोकार्पस और सिनकार्पस से क्वेश्चन पूछा जाता है। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है गुलाब कमल रेनुनकुलस, और सिनकार्पस का एग्जाम्पल है मटर टमाटर और गुड़हल। तो मटर टमाटर और गुड़हल में जो है वो अंडप क्या है, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिले हुए रहते हैं, तो युक्तांडपी उनको कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इसमें एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको एग्जाम्पल अच्छे से याद होंगे वो उतना ही अच्छा जो है बॉटनी का पेपर करेगा। प्लांट मॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है वो क्या पूछे जाते हैं? एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। इसीलिए इस क्लास को आपको कम से कम एक दो बार जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आपको ये सारे एग्जाम्पल याद हो जाए। अब हम बात करें निषेचन के बाद क्या होता है, बीजांड से तो बीज बनता है और अंडाशय से क्या बनते हैं, फल बनते हैं। तो फल की परिभाषा भी यही होती है कि अंडाशय से विकसित संरचना को क्या कहा जाता है, फल कहा जाता है। अब अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को क्या कहा जाता है, बीजान्यास कहा जाता है, प्लेसेंटेशन कहा जाता है। प्लेसेंटेशन मुख्यतः पांच प्रकार का होता है। पहला है सीमांत बीजान्यास, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होता है कि एक सीवनी होती है, सीवनी पर बीजांड लगे होते हैं, और ऐसा किसमें मिलता है, मटर में। तो आपने मटर को जब छीला होगा तो आपने देखा होगा कि एक सीवनी होती है, सीवनी पर मटर के दाने लगे रहते हैं। तो और यहाँ पर एक डायग्राम भी बताया गया है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि सीमांत बीजान्यास कैसा होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है, मटर में पाया जाता है। अब हम बात करें स्तंभीय बीजान्यास, एक्साइल प्लेसेंटेशन किसमें मिलता है। देखिए इसमें बीजांडासन अच्छी होता है, वह बीजांड बहुकोष्ठीय अंडाशय पर होते हैं, यानी कि बीजांड जो है वो बहुकोष्ठीय अंडाशय में पाए जाते हैं और बीच में मिलते हैं बीजांड, और ऐसा किसमें मिलता है, गुड़हल टमाटर और नींबू में। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन का उदाहरण क्या है, गुड़हल टमाटर और नींबू। वित्तीय बीजान्यास, जब बीजांड भित्ति पर होते हैं तो वित्तीय बीजान्यास कहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठीय होता है लेकिन आभासी पट बनने के कारण दो पटों में विभाजित हो जाता है।
तो भित्तीय बीजान्यास किस में पाया जाता है? क्रूसीफल कुल के पादपों में, सरसों में और आर्जिमोन में भित्तीय बीजान्यास पाया जाता है। और मुक्त स्तंभी बीजान्यास, मुक्त स्तंभी बीजान्यास बीजांड केंद्रीय अक्ष पर होते हैं और डायंथस और प्राइमरोज इसका क्या है एग्जाम्पल है। प्री सेंट्रल जो प्लेसेंटेशन है उसका एग्जाम्पल क्या है? डायंथस और प्राइमरोज दोनों इसके एग्जाम्पल। अब हम बात करें आधारीय बीजान्यास। जब बीजांड केवल एक बीजांड हो और आधार पर लगा हो तो आधारीय बीजान्यास कहते हैं, और इसका उदाहरण है सूरजमुखी और गेंदा। क्या है? सूरजमुखी और गेंदा। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी प्लांट मॉर्फोलॉजी से कोई भी पेपर आता है या बॉटनी का कोई भी पेपर आता है तो प्लेसेंटेशन बीजांड न्यास से 100% क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलता है, इसलिए इसके एग्जाम्पल आपको याद रहना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार हम इन एग्जाम्पलों को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सीमांत बीजान्यास किसमें मिलता है? मटर में। स्तंभीय बीजान्यास किसमें मिलता है? गुड़हल, टमाटर और नींबू में। भित्तीय बीजान्यास कहाँ मिलता है? क्रूसीफर और आर्जिमोन में। मुक्त स्तंभीय बीजान्यास कहाँ मिलता है? डायंथस और प्राइमरोज। और आधारीय बीजान्यास मिलता है सूरजमुखी और गेंदा में, आधारीय बीजान्यास पाया जाता है। तो इस तरह से हम बीजान्यास के एग्जाम्पलों को याद रखेंगे तो हम एग्जाम्पल जो एग्जाम है उसमें एग्जाम्पल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मटर में तितली के आकार का दल मिलता है, सोंकस और सूरजमुखी के रे पुष्पक में जीव जैसा दल मिलता है जैसे लिंगुएट या स्ट्रैप शेप्ड कहते हैं। तुलसी में बाइलेबिएट द्विओष्ठीय दल पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? द्विओष्ठीय दल, दो ओष्ठ जैसे, दो होर जैसे दल पाए जाते हैं तुलसी में। पुष्पक्रम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे स्पाइकलेट पुष्पक्रम किसमें मिलता है? दूब घास साइनोडोन में। कैटकेन पुष्पक्रम किसमें मिलता है? कैटकेन पुष्पक्रम सहतूत में मिलता है, कैटकेन पुष्पक्रम सहतूत में मिलता है। कोरम पुष्पक्रम चांदनी कैंडी टफ्ट में मिलता है जिसका वैज्ञानिक नाम है आइवेरिस अमारा। मुंडक पुष्पक्रम कैपी टूलम पुष्पक्रम किसमें मिलता है? सूरजमुखी में। और कैपिटेट पुष्पक्रम किसमें मिलता है? अकेसिया में, बबूल में कैपिटेट पुष्पक्रम पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो प्लांट मॉर्फोलॉजी का पुष्प वाला जो टॉपिक है उसको रिवीजन किया। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप निश्चिंत होकर इसकी तैयारी कर सकते हो क्योंकि यहीं से प्रश्न आएगा और अदर एग्जांपल जो है वो इम्पोर्टेंट जो भी थे वो सारे के सारे मैंने सम्मिलित कर दिए और कोई एग्जांपल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इस क्लास को यदि एक दो बार देखेंगे तो ये चैप्टर आसानी से आपको याद हो जाएगा और बहुत छोटे से समय में हमने इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश की और इसको रिवाइज किया। और जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और इस क्लासेस को लगातार देखते रहें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको समय समय पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त होती रहे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।